गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े लगातार 50 के नीचे आ रहे हैं। सोमवार को 24 घंटे के अंदर केवल 25 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 20,295 पहुंच गया है। इनमें 19,563 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 326 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 406 रह गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि जाँच रोजाना 3 से 4 हज़ार के बीच है। सोमवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो पहली बार महज 4 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 2 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा राजघाट और कोतवाली थाना क्षेत्र में 1-1 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 12 नए मरीज मिले हैं। इनमें भटट और खोराबार में 1-1, पिपराइच में 2 और चरगावा में 8 मरीज मिले हैं। इनके अलावा 9 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने होंगे, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।